नमस्कार दोस्तों, क्योंकि ये फैक्ट है कि हमारा समाज ना कुछ अलग तरीके का सोच रखता है। जब कोई भी सदगुरु होते हैं, जब कोई भगवान होते हैं, तब उनको पूछते नहीं हैं, तब उनकी मानते नहीं हैं, तब उनकी कुछ कुछ सुन के राजी नहीं होते, और बहुत समय बाद तो हम नकार ही देते हैं कि वो थे या नहीं थे। कहते बंदे कहने लग जाते कहानियाँ, तो बड़ा दुख होता है। ऐसा हुआ जैसे राम के लिए भी लोगों ने कहने लग गया कि वो तो नहीं, वो सिर्फ कल्पना है, वो कहानियाँ हैं। और मुझे मालूम है आने वाले टाइम में ज़्यादा नहीं, मे भी हो सकता है वो 200 साल हों, हो सकता है वो 250 साल हों, बंदे यहाँ तक कहानी करने लग जाएंगे, ओशो कुछ नहीं थे, कोई करेक्टर था और करेक्टर आके अपना रोल करके चला गया और लोगों ने कहानियाँ बनानी चाहिए। तो इस शो का सिर्फ यही मकसद है कि हम कम से कम वो जो ब्रिज है, उस ब्रिज को आपके सामने दिखा दें कि जो उन्होंने ओशो के साथ में अपना जीवन जिया, ओशो को उन्होंने देखा, ओशो को उन्होंने सुना, ओशो को उन्होंने समझा, ओशो के साथ उन्होंने अपना समय व्यतीत करा, फील करा, उन्हीं में से एक व्यक्ति है हमारे स्वामी जी। स्वामी जी, मैं आपका फिर से नमस्कार। नमस्कार स्वामी जी। मैं क्योंकि आपने ओशो के साथ में समय व्यतीत करा है, ओशो को आपने देखा है, आपकी वो आंखें हैं जिन्होंने ओशो को साक्षात देखा जी। मैं कहता हूँ कि जिन्होंने भी देखा है, जो उस समय में रहे हैं, वो वाकई ही बहुत सौभाग्यपूर्ण व्यक्ति थे, क्योंकि आपने उस कम से कम उस हवा को, उसके सानिध्य में रहे, वो अस्तित्व के बीच में रहे। हम तो हो सकता है वो अब बाद की आए जनरेशन वो फील कर रहे हैं, वो भीड़ को देख के भी हो सकता है हम आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन आप भीड़ को देख के आकर्षित नहीं हो रहे, आपके अंदर से कहीं ना कहीं कुछ लगा कुछ और आप एकदम से जुड़ गए। तो मुझे कुछ, मैंने सुन लिया आपके संस्मरण, कुछ और ओशो के बारे में अगर मुझे कुछ और बताएं कि आपकी कुछ अनुभव हुआ हो, कुछ जो आपने उनके साथ में कुछ फील किया हो, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। जब मैं छोटा था तो जब ओशो गाडा बार आए थे तो वो एक ध्यान करा रहे थे जिसका नाम था निष्क्रिय ध्यान। अब मैं 10-11 साल का बच्चा, मैं ध्यान क्या जानूँ। वो बैठे हैं वहाँ, गांव के लोग 50-60 लोग, 100 लोग थे, एक पार्क में बैठे हुए हैं, गार्डन में, प्राइवेट गार्डन में। तो वो उसको ध्यान करा रहे हैं तो कह रहे हैं कि शरीर शिथिल हो रहा है, बच्चा शिथिल हो रहा है, ऐसे 10-12 घंटे का था। तो मैं बैठा था तो देखा कि मेरे आजू बाजू जो लोग हैं वो बैठे हैं आँख बंद करके, और बस वो उसको निर्देश दे रहे हैं कि शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा। मैं भी बैठा हूँ, देख रहा हूँ, मेरे पास शरीर शिथिल का क्या मतलब है, क्यों बच्चे हैं, क्या जाने क्या होता है शिथिल क्या, ध्यान क्या। लेकिन वो बहुत अच्छा लग रहा था, सब लोग बैठे, सब ऐसा लगता जैसे आदमी आँख बंद करके सो गया, बैठे बैठे सो गया, ऐसा महसूस हुआ। तो मैंने कहा ये ध्यान है, ये क्या है। तो फिर मैंने भी आँख खोल के देखा, थोड़ी देर बाद मैंने किया उसको, आँख बंद किया, तो मैंने महसूस किया कि भाई यहाँ कुछ होता है। ओशो की बातों में, ओशो के शब्दों में ऐसी जादू था कि वो जो बोल रहे हैं ना, इसलिए तो ओशो ने कहा कि ये उनके पास मत जाओ, उनको मत देखो, हिप्नोटाइज कर लेंगे, वो संबोधित कर लेंगे। वो मैंने बचपन में महसूस कर लिया था कि वो जब वो बात कर रहे हैं ना कि शरीर शिथिल हो रहा, सही में आदमी चला जाता उसमें। तो सम्मोहन करना, लोगों ने जो कहा वो गलत नहीं कहा है, वो सही है। तो ऐसी ध्यान की पद्धतियाँ ओशो ने कराई हैं जो मैंने महसूस की हुई है, पर्सनल मैंने महसूस बचपन से किया है। फिर जैसे जैसे बड़ा हुआ तो ध्यान किया, तो वो अनुभव मैंने किया हुआ है। ओशो की बात में जो है वो जादू है, और उनका जो बात करने तरीका वो सम्मोहित है, तो वो जागृत पुरुष ही कर सकता है, ये चमत्कार हम कह सकते हैं। बहुत 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 बढ़िया, यही तो यही कारण है कि हम आपसे बात करें, क्योंकि आपने उस टाइम पे वो अनुभव करा कि क्या वो कह रहे हैं। क्योंकि हम तो आज की डेट में कैसेट सुन रहे हैं, ऑडियो सुन रहे हैं, कुछ वीडियो भी देख रहे हैं। तो स्वामी जी एक चीज़ और मेरे को बताओ कि आज पूना आश्रम को लेके माहौल बन रहा है कि हाँ जी, कि कुछ डिस्प्यूट है, कुछ ओशो के जो भारतीय सन्यासी हैं और कुछ विदेशी सन्यासी हैं, उसके बीच में आपस में कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, और कुछ उड़ती उड़ती खबरें आती हैं, तो थोड़ा इसके बारे में कुछ अगर आपको कुछ जानकारी हो तो प्रकाश डालें, क्या है वो डिस्प्यूट। अभी क्या है कि ओशो ने जो कहा है, अगर प्रवचनों को सुना जाए, उनके डिस्कोर्स को सुना जाए, ओशो ने हमेशा कहा है कि विस्तारवाद की बात की, हमेशा इसको एक्सपांड करना है। जैसे कम्यून है, ओशो ने कहा कि इस कम्यून को एक्सपांड करना है, क्योंकि यहाँ आने वाले समय में हजारों लोग आएंगे। तो ओशो ने कहा कि भाई
कोरेगांव पार्क में जो अभी जो जगह है, जो 4 एकड़ ज़मीन है, इसको कम से कम 100 एकड़ किया जाए। तो जो बंगले खरीदना चाहें वो खरीद लो, खरीदे 4-6-8 बंगले खरीदे। तो ये जो क्या है कि ओशो के जाने के बाद, ओशो ने तो कहा था कि ये मेरा एक्सपांड करना है, पूरा विस्तार करना है, लेकिन वो नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें क्या है कि देसी विदेशी आ गए, दोनों के विचार नहीं मिल पा रहे हैं। वो कुछ और तरीके से सोच रहे हैं विदेशी, बात ही कुछ और तरीके से सोच रहे हैं। अब जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में जो लोग हैं, अब वो क्या है कि विदेशियों के हाथ में है, तो वो जो कहेंगे वो मानेंगे। तो अभी हमारे भारतीय मित्र जो हैं, जो कह रहे हैं कि वो सोने का आगे विस्तार करना, और आप इसको समेट रहे हैं, प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो आप क्यों बेच रहे हो वो सोने का खरीदने का? अब वो उनके अपने तर्क, इनके अपने तर्क हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं इसको चलाने के लिए, क्योंकि इतना खर्चा है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, टैक्स हैं, बिजली का बिल है, ये वो है। ये कह रहे हैं कि नहीं, आपके पास कॉपीराइट का पैसा है, आप यहाँ वहाँ से पैसे कमा रहे हो, आप अपना जेब भर रहे हो, तो ये कंट्रोवर्सी चल रही है। तो इसके बारे में मैं अपनी ओपिनियन ये कहूँगा कि ओशो ने जो ड्रीम छोड़ा है वो ड्रीम नहीं हो रहा है, क्योंकि ओशो ने विस्तार की बात करी, विस्तार नहीं हो रहा है। आप आश्रम में लोगों को आने के लिए ज़्यादा फीस रख रहे हो, जो कि यह भारतीय लोगों के लिए मुमकिन नहीं है। विदेशियों से भी इतना ज़्यादा आप पैसे ले रहे हो कि वो भी बेचारे नहीं दे सकते डेली आने का, तो वो उसको समेट रहे हैं। वो तो वो अभी क्या है कि मैं कैसे कह सकता हूँ कि हम सही हैं या वो सही हैं, ये हम लोगों को सोचने की बात कि सही कौन है। बहुत सही, बहुत बढ़िया। मतलब कि कहीं ना कहीं हम ये अंदेशा लगा सकते हैं कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है कि हाँ जी ओशो के सारे जितनी भी कहें कि चल अचल संपत्ति है या बौद्धिकता संपत्ति है, उसको इकट्ठा करो चले जाओ। क्योंकि जब मैं कहता हूँ, कोई कहता है कि वो बेच रहे हैं, जो बेच रहे हैं, कोई खरीद रहा है तो वो भी तो कुछ सोच के खरीद रहा होगा, उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट नजर आ रहा होगा। इसका मतलब तो ये है कि कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि हाँ जी किस तरीके से यहाँ से अभी निकलें, कुछ और चीज़ करें, मे बी पॉसिबल। तो स्वामी जी ये भी बात हुई, एक चीज़ और बताओ मेरे को कि ओशो में, जैसा मेरी जानकारी है कि 25 साल के उस टाइम ओशो थे जब आप पैदा हुए, और 5-7 साल के बाद में ही आप ओशो से के सानिध्य में जुड़ने लग गए, यानी 7 साल से लेके आज लगभग आपकी उम्र 65-70 करीब हो रही है। तो मान के चले 55-60 के करीब आप ओशो से जुड़े हुए हैं। अगर ओशो आपके जीवन में नहीं आते तो क्या होता? वही होता जो आपके साथ हुआ है, जो जनता के साथ हुआ है। अच्छा। कोई ना कोई परिवार में कोई गुरु होता है, पूजा पाठ में लगे होते, क्रियाकांड में लगे होते, उपवास कर रहे होते, तो वो ही होता। क्योंकि ओशो ने जो एक आँख दी है ध्यान की, वो आप देख सकते हैं, तो वो ही होता। अगर ओशो नहीं होते तो हम कुछ और ही होते। क्योंकि मैं भी अपने आप को सौभाग्यपूर्ण मानता हूँ कि ओशो से सही टाइम पे मेरे को सानिध्य में उनके चला गया। और मैं तो कहता हूँ ओशो हमारे सर हैं, अगर सर चला जाए तो बिना सर के धड़ तो कुछ होता ही नहीं। अब ये है कि आज हम ये हमारा मन करता है कि अपने बच्चों को भी ये विरासत दें कि ओशो के बारे में सुने, ओशो के बारे में समझे, वो आँख उनको दे जो हमें हमारे को मिली रही है। तो आप उन लोगों को जो देख रहे हैं आज इस शो के माध्यम से, आप उनको क्या कह सकते हैं या क्या मैसेज दे सकते हैं कि जिससे वो ओशो से किसी भी रूप में जुड़े, या उनके जुड़ने का क्या कारण रहना चाहिए, कुछ ऐसा कुछ आप कहना चाहिए? ओशो से जुड़ने का मतलब ये है कि ओशो को मानना नहीं है ऐसे भगवान, कोई भगवान नहीं है कि पूजा करनी है, जिनकी आरती उतारनी है, और ओशो को जीना है। ओशो को जीना का मतलब क्या है कि ओशो ने एक ध्यान पद्धति दी है, अवेयरनेस। आप जो भी कर रहे हो अवेयर से करो, जब आप अवेयर से करेंगे तो आपके जीवन परिवर्तन होगा, ये उनकी 100% गारंटी है। आप कुछ भी चीज़ करें, जैसे मान लो मेरा मन है चोरी करने का, तो मैं बेहोशी में कर लेता हूँ, लेकिन उसमें आप झांक के देखिए कि आप चोरी क्यों कर रहे हैं। इससे आपको फ़ायदा होगा वो तो ठीक है, लेकिन उसका कितना नुकसान होगा? जब आप अवेयर रहेंगे ना तो आप वो चोरी नहीं करेंगे। बस ये उन्होंने आँख दी है, आप जो भी अच्छा कर रहे हैं उससे आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है, और सामने वाले क्या मिल रहा है, आप जो बुरा कर रहे हैं आपको उससे क्या मिल रहा है, सामने वालों को कितना बुरा होगा, ये ओशो आँख दी है। तो आज की जनता या युवक जो हैं, बस ओशो को समझें, उनके विचारधारा को समझें, उनको माने नहीं, पूजा ना करें उनकी, ध्यान में उतरें। बस मैं यही आज के युवक को कहूँगा मैं। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो ये आपने कहा कि ओशो मेन मैसेज जो दे रहे हैं अवेयरनेस का दे रहे हैं, लेकिन कई लोग मेरे से ये भी ये पूछते हैं कि जैसे, क्योंकि उनको मालूम है कि ओशो से मैं जुड़ा हुआ हूँ, ओशो को मैं प्रेम करता हूँ, तो मेरे से एक ही शब्द पूछते हैं
यार इतना सुनते हैं, इतना समझते हैं, लेकिन मेन मैसेज वो क्या देना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, देशना क्या है मेन उनके? तो क्या कुछ अपने शब्दों में कुछ कहना चाहेंगे आप? बस यही देशना है हाँ, कि होश से जीना, होश से जीना, होश से जीना है आपको। जो भी आप कर रहे हैं होश से करें, यहाँ तक कि आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, नहा रहे हैं, जो भी है बस होश से करें। जब आपका होश जगेगा ना तो आप अलग ही आदमी होंगे। और हम लोग बेहोशी में कर रहे हैं सब कुछ। ऐसे कई बार वो सुने उधर वहाँ भी बुद्ध का दिया है कि बुद्ध बैठे हैं प्रवचन दे रहे हैं और एक मक्खी बैठी, उन्होंने ऐसे उड़ा दी बेहोशी में। लेकिन फिर बाद में दोबारा उन्होंने उसको हाथ को ऐसे किया होश में, तो किसी ने पूछा था कि आपने दोबारा क्यों किया, तो उस बुद्ध कह रहे हैं कि पहली बार मैंने तो ऐसे ही बेहोशी में ऐसे हाथ कर दिया मक्खी उड़ाने के लिए, लेकिन मेरे को याद आया मैंने बेहोशी में उड़ाया, फिर मैंने होश से मैंने उस हाथ को ऐसे किया है। तो ऐसे ही ओशो का है कि आप जो भी कर रहे हैं होश से करें, और होश से करेंगे तो आप आत्मरूपांतरण होगा, आप देखेंगे आप में क्या बदलाव आया है। तो बहुत सुंदर शब्द है होश, यानी होश में करना है, होश में करना। अगर सारी की सारी बातों का निचोड़ निकाला है कि होश ने कहा कि होश, तो दोस्तों आज की बातों का सार निकल गया है कि होश रखें। और मैं इसके साथ ही इस कार्यक्रम में इस आज के प्रोग्राम का समापन करूंगा और स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। स्वामी जी का धन्यवाद। और एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, ये हमने इनसे स्पेशल टाइम लिया है, आज इनकी 10 बजे की इनकी फ्लाइट है जर्मनी की, दिल्ली में हमारे लिए सेवन टू के लिए वो आए, थोड़ी देर टाइम दे के फिर ये जा रहे हैं, तो मैं इसलिए इनका बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ अपना वैल्यूबल टाइम। धन्यवाद। थैंक यू।